अगर बैंक वालों ने आपके लोन के मामले में ये गलती कर दी है तो कानूनी तौर पर भी बैंक वाले अब आपसे पैसा रिकवर नहीं कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया है, हम कैसे चुकाएं। कर्जा अगर आपने ले रखा है तो उसे आपको चुकाना होता है, लेकिन अगर कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां होती है जो बैंक वाले कर देते हैं। अब गलती तो कोई भी कर सकता है, अगर आपने देखा हो तो किसी बैंक ने किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर कर दिए गलती से। ऐसा भी आया था एक बार कि पेपाल ने किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, शायद करोड़ों में होंगे उस वक्त, मुझे एग्जैक्ट वो फिगर याद नहीं आ रहा है, और उसके बाद वो इंसान तो तुरंत ही अरबपति बन गया। तो गलतियां सब करते हैं, बैंक वाले भी कर सकते हैं। ये गलती अक्सर नहीं भी होती है, लेकिन कभी कभी हो भी जाती है, क्योंकि गलती अक्सर तो नहीं होती लेकिन कभी कभी होती है। अगर आपके लोन के मामले में बैंक ने आप गलती कर दी है तो अब बिल्कुल भी आप लायबल नहीं हैं, इनफैक्ट कानूनी तौर पर वो आपसे पैसा रिकवर नहीं कर सकते। चलिए डिटेल में जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। दोस्तों जब कभी भी आप लोन लेते हैं तो बैंक वाले रिकवरी एजेंट्स को आपके पीछे लगा देते हैं आपसे पैसा निकलवाने के लिए, और हर महीने वो उस कलेक्शन एजेंसी को चेंज करते रहते हैं। यानी कि हर महीने वो कलेक्शन एजेंसी चेंज होती है और उसके बाद वो आपको परेशान करते हैं और कहते हैं कि आपका जो भी बकाया पैसा है वो आप हमें दे दो। इसके बाद अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस वो अपनी अपने वकीलों से भिजवाना आपको शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर नोटिस जो होते हैं वो फेक रिकवरी एजेंसी होते हैं, और अगर इन सारे क्रमों में किसी भी तरीके से 3 साल पार हो गए, आपने पैसे 3 साल तक नहीं दिए, 3 साल अगर खत्म हो गए तो आ जाता है लिमिटेशंस एक्ट, जिसके बाद अगर उन्होंने अगर आपके ऊपर केस नहीं किया है, आपकी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जो आपके पेमेंट की डेट है, उसके बाद से लेकर 3 साल तक अगर उन्होंने आपके ऊपर केस नहीं किया है पैसे नहीं देने के बावजूद, तो ऐसे स्थिति में 3 साल के बाद वो आपसे पैसों की मांग नहीं कर सकते। मांग कर सकते हैं लेकिन अब वो आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते पैसे नहीं देने के लिए कि भाई मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके ऊपर लागू हो जाता है लिमिटेशंस एक्ट, जिसके तहत अगर किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी को अगर पैसा रिकवर करना है तो 3 साल के भीतर ही उसे केस करना होता है। ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने पैसा नहीं दिया है तो 8 साल के बाद वो आपके ऊपर केस करे या 18 साल के बाद आपके ऊपर केस करे और फिर ये कहे कि भाई तुम्हारा पैसा बाकी है। लिमिटेशंस एक्ट 1963 में ये कानून बना था, जिसके तहत अगर किसी भी बैंक एनबीएफसी कंपनी किसी को भी अगर आपसे पैसे रिकवर करने हैं और अगर आपने 3 साल तक पैसे नहीं दिए हैं तो उसके बाद 3 साल के बाद वो आपको पैसा देने के लिए कानूनी तौर पर नहीं कह सकता, वो कोर्ट में जाकर आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है। तो अगर 3 साल हो चुके हैं और आपके ऊपर अगर केस नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपके पास रिकवरी एजेंट्स की कॉल आ रही हो, बट रिमेंबर लीगली दे कैन नॉट नाउ फाइल अ केस अगेंस्ट यू। 3 साल, 3 ईयर्स इज अ लॉट ऑफ टाइम। 3 साल बहुत अधिक टाइम होता है, बहुत अधिक उनके पास अवसर होते हैं आपके ऊपर केस करने के लिए। 3 साल अगर हो गए हैं तो आप खुश हो जाइए, वो आपके ऊपर केस तो कम से कम नहीं कर सकते। और अगर वो आपके ऊपर केस नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप उनको पैसे नहीं दें। मेरा अभी भी आपसे यही सुझाव है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप उनको पैसे दे दीजिए, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो वैसी कंडीशन में आप उनके साथ एक सेटलमेंट करवा लीजिए। 3 साल के बाद उनके पैसों को हजम करने जैसा माइंडसेट बनाकर बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि पैसे तो आपने लिए ही हैं, पैसे देना आपका कर्तव्य भी है। नहीं तो होता क्या है, वो अलग अलग एजेंसी को, कलेक्शन एजेंसी को आपका अकाउंट भेजते रहेंगे और वो कलेक्शन एजेंसी वाले इवन आफ्टर 3 ईयर्स आपको कॉल करते रहेंगे, हैरेस करते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। हो सकता है आपके रिलेटिव्स को कॉल करें, हो सकता है आपके ऑफिस पहुंच जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप इस लोन का निपटारा कर देते हैं तो आपके लिए यह फायदे का ही सौदा रहेगा।
तो ये बहुत जरूरी है कि भले 3 साल पहले हो चाहे 3 साल के बाद हो, आप लोन का निपटारा तो कर ही दीजिए, सेटलमेंट करवा लीजिए अगर आप उनके पैसे नहीं दे सकते तो। लेकिन हाँ, द गुड न्यूज इज दिस, अगर 3 साल हो गए तो अब आपके ऊपर केस वो नहीं कर सकते। और कई लोग मुझे ऐसा भी कहते हैं कि सर लोन भी तो राइट ऑफ तब तक हो जाएगा। हाँ भाई, लोन भी राइट ऑफ वो कर देते हैं, मैं पूरी तरीके से आपकी बात से एग्री करता हूं। लेकिन आपको यह समझना है कि लोन राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता है कि लोन माफ हो गया है। लोन राइट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपने लेजर से आपके जो भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसको हटा देते हैं, अपने अकाउंट को एकदम क्लीन कर लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद आपको चेस करते हैं फॉर एनदर 8 साल 10 साल, तो मेंटल हैरेसमेंट तो आपको होती है ना। सो प्लीज डू सेटलमेंट विद देम। अगर पूरा पैसा आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो चलो सेटलमेंट ही करवा लीजिए, लेकिन हाँ जितनी जल्दी हो सकता है लोन के इस चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर निकालिए, सो दैट यू कैन ब्रीद, सो दैट यू कैन अनबर्डन योर सेल्फ। आप अपने ऊपर अगर ये बर्डन रखेंगे तो ऑब्वियसली आप काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, आपका जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो योग्यता है, जो कुशलता है अपने कार्य में, वो पूरी तरीके से अपनी परिकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकती। यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर वर्क। और इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लोन का सेटलमेंट तो आप करवा ही लीजिए, भले 3 साल में अगर आपके पास पैसे नहीं हो और उन्होंने भी केस नहीं किया, 4 साल में पैसे हो गए तो 4 साल के बाद करवा लीजिए। लेकिन लिमिटेशंस एक्ट आपको प्रोटेक्ट करता है। तो जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं, तो आपको करना क्या है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जब कभी भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। जो लोग 1-on-1 मुझसे बात करना चाहते हैं अपने लोन से संबंधित किसी भी चीज़ के विषय में, भले आपके पास कोई डिमांड नोटिस आया हो, भले आपके पास कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस आया हो, आपके अगेंस्ट कोई समन आया हो, केस हो गया हो, केस होने वाला हो, होम लोन हो, कार लोन हो, बेल हो, कुछ भी लोन से संबंधित, आपके सिटी में आपके ऊपर केस कर दिया गया है, सिटी के बाहर केस कर दिया गया है, आपको कोर्ट ने बुलाया है, आप जा नहीं सकते किसी भी वजह से, कुछ भी, तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और आपका भाई जो हो सकेगा आपके लिए करने की पूरी कोशिश करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मैं आपको बता दूं किस तरह की वीडियोज मैं बनाता रहता हूं, तो क्या मुझे 1 सब्सक्राइब मिल सकता है आपसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो? सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू प्लीज लीव देयर सजेशन। सो अपना सजेशन जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में छोड़े। अगर आपका सुझाव मुझे पसंद आया तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सकता है। चलिए मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।